गैस करो ये क्या चल रहा है। अभी शूट चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू टॉक, बहुत जरूरी है ये मेरे लिए, ऐसा लगता है मुझे। बाकी आई विश कि तुम लोगों को समझ आए और फीलिंग समझ पाओ, बस मेन मेन तो मेरा यही है, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। तो शूट को स्टार्ट करते हैं। पता है काफी बार ऐसा हुआ है कि लोग और मैं खुशी ढूंढ रहे होते हैं पर वो एक्चुअली मिलती नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। जी भाई, तो ऐसा सीन है कि अभी अभी जो है ना, मैं काफी टाइम से एक चीज पे अटका हुआ कि खुशी खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। मतलब हर चीज में खुशी ढूंढने की तैयारी कर रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को मिले, पर अफसोस कि ऐसा हो नहीं रहा है और मेरे को पता नहीं चल रहा है वो चीज क्या है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ये दिक्कत होती होगी, मुझे आइडिया नहीं है, क्या पता होती हो ना होती हो। मेरा तो देखो, मेरा सीन ऐसा है कि भैया अभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट इंसान तुम्हारे सामने, कैमरे के सामने, और मैं कैमरे पे देख के बात भी नहीं करना चाहूंगा। मैं आज ऐसे देख के बात करूंगा कि मेरे सामने कोई बंदा बैठा है और हम बात करेंगे आपस में, और एक्चुअली में कोई है नहीं वहां पे, सच बताओ तो। ठीक है, तो हम उस बंदे को नाम देते थे नोबडी, क्योंकि कोई कोई नहीं है तो नोबडी। ठीक है, तो नोबडी सीन कुछ ऐसा है कि क्या अपना लाइफ में लगे पड़े, सुबह उठ के क्या करना है कुछ आइडिया नहीं होता, रात में सोना है क्यों है ये भी कोई आइडिया नहीं होता। सपने सपने तो अब आने ही बंद हो गए हैं, और ये मेरी नहीं कहीं की कहानी है, तो इसको लेके एक क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए, ऐसा मैंने सोचा। तो अभी वही व्लॉग बना रहा हूँ मैं, और काफी ज्यादा डिफरेंट है ये चीज ना। मतलब जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था लगभग 3 साल पहले, मेरे को तो अब ध्यान भी नहीं है, तो मैंने 1 साल में मेरे ख्याल से 63 व्लॉग्स डाले थे बस, और मैं इन 3 महीनों में उससे ज़्यादा डाल चुका हूँ, मेरे ख्याल से 118 व्लॉग हो चुके हैं शायद, मेरे ख्याल से, पता नहीं मुझे, अभी कोई आइडिया नहीं है। मैं ऐसे कुछ देख के नहीं बनाता हूँ, मेरे जो फीलिंग्स होती है उसको लेके मैं एक व्लॉग बनाता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के पास ऐसे बंदे नहीं होते कि वो उनकी बात सुने। मैंने काफ़ी रियलाइज़ करी है चीज़ ना कि कोई बंदा अगर तुम्हें कोई बात बता रहा है ना, तो भाई उसकी बात सुनो, उसे एडवाइस मत दो, क्योंकि वो एडवाइस देने वाले उसके पास काफ़ी लोग हैं और वो बेवकूफ़ नहीं है जो तुम्हारे पास आया है। एक्चुअली उसे एक दोस्त या जिसकी भी तलाश है कि वो उसकी बात सुने बस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले उसकी बात सुनो, समझो, ज़्यादा सही रहेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस करी है चीज़, तो सुना करो बात है ना, अगर कोई इंसान तुमसे कोई बात करना चाहता है तो वो बात सुनो, उसे अपने एडवाइस मत दो, उसे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ मैं सबको कहना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, तो अभी फ़िलहाल ये चल रहा है भाई कि लाइफ में पता नहीं है क्या करना है, क्योंकि मेरे को सही में मतलब जिस जिस तलाश में मैं आया था ना यूट्यूब पे, वो काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी अच्छा रहा, मज़े आए, पर शायद ये मेरा आखिरी व्लॉग हो सकता है। मैं मंडे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मंडे नहीं जा रहा हूँ, बस अब ये व्लॉग जो हो रहा है ये ना व्लॉग लास्ट है, इसके बाद जो व्लॉग आएंगे वो 3 दिन में एक व्लॉग आएंगे। अब मैं डेली व्लॉग्स नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मेरी प्राइवेट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा भी वो अपनी प्राइवेट चीज़ें दिखाऊँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, और पिछले साल 2022 में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसने मेरे को अपग्रेड किया है कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन अपने हैं कौन पराए वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें देखो तुम सबकी माइंड में चलती है चीज़ें, मेरे माइंड में भी चल रही हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते इन चीज़ों का। ठीक है, और मैं बात कर रहा था खुशी की, भाई खुशी कुछ नहीं है, हर चीज़ में खुशी है, बस मेरा मेरा मानना ही है, मैं मतलब मेरा मानना ये है कि खुशी कुछ नहीं है भाई, अपना हाँ करते जाओ और मतलब दूसरों को खुश करते जाओ, तो ऑफकोर्स तुम भी खुश रहोगे, क्योंकि यही है। अगर अब देखो तुम्हें कोई बंदा कुछ कह रहा है, ठीक है, और तुमने ना कर दिया, ऑफकोर्स यार उसका मुंह सड़ गया है भाई, और सड़े भी, मैं तो कह भी नहीं रहा कि तुम फोर्सफुली हाँ करो, ऐसा कुछ नहीं है, बस जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसमें हाँ करो, ज़्यादा सही रहता है वो, और एक्चुअली तुम तब खुश रहोगे, ऐसे नहीं रहोगे खुश कि तुम किसी के फोर्सफुल में और तुमने हाँ कर दिया कि चलो ठीक है यार चलते हैं यार मजे मारते हैं घूमने चलते हैं, और एक्चुअली में तुम्हारा मन ही नहीं था आने का, तो तुम ऑफकोर्स तुम उनका भी मूड खराब करोगे और अपना तो मूड खराब कर ही है तुमने एक ट्रिप पे आगे ना। तो जब तुम्हारा मन हो तब तुम जब जब तुम एक्चुअली में कंफर्टेबल हो तब तुम ज्यादा सही है तुम्हारा, तो ऐसा है नोबडी। ठीक
सीन अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या कर सकते क्या नहीं, ठीक है, तो फिलहाल ये है। और रही खुशी की बात, तो कहाँ है खुशी, कहाँ है? एक्चुअली जब मैंने बाइक ली थी मुझे लगा था कि अब मिलेगी खुशी, और मिली बहुत ज्यादा अच्छी मिली। पर अभी ट्रैवल वगैरह का तो कुछ सीन चल नहीं रहा है, मेरा यूट्यूब चैनल इतना अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ मैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लोग एडवाइस देने वाले तो लाखों है करोड़ों है, जहाँ चले जाओ उनसे एडवाइस ले ले भाई, एडवाइस देने के लिए तो लोग यूँ भरे पड़े कि भैया हमसे ले हमसे ले, ऐसे टाइप के लोग हैं। तो अभी सीन ऐसा है भाई, ना एडवाइस दो किसी को और ना एडवाइस लो किसी की, भाई जो तुम्हारा मन कर रहा है वो करो, ज़्यादा सही है वो, फिलहाल तो ये है, ठीक है। और फोर्सफुली में हाँ नहीं, मतलब जहाँ तुम कंफर्टेबल नहीं हो वहाँ हाँ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, पहले तुम खुद कंफर्टेबल हो, जब तुम हाँ कंफर्टेबल हो और तुम हाँ कर रहे हो तो ऑफकोर्स यार जिसके साथ तुम जा रहे हो और जहाँ तुम जा रहे हो या तुम जो भी कर रहे हो, फर्स्ट तुम खुश रहोगे, ठीक है। और अगर तुम्हारा मन नहीं है, ना बोलने का मन है तो ना बोलो भाई, किसी का कोई हक नहीं है कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे, ठीक है। तो ऐसा सीन है भाई, तो अभी फिलहाल ये सीन है भाई। क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, और दिन के 3 बज रहे हैं, अभी रात में शूट नहीं कर रहा मैं ये वीडियो, और रात में मैं काफ़ी टाइम से शूट नहीं करी वीडियो, कहीं तुम्हें लग रही होगी कि रात हो रही है, नहीं रात नहीं हो रही है, मैं क्या शूट कर रहा हूँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। 1 सेकंड भाई लोग, 1 सेकंड। हेलो जी, तो फाइनली अपन कार में काफी दिनों बाद ये वाला सेटअप लगाया भाई, काफी दिनों बाद। अभी मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि कुछ देर पहले मैं डीमोटिवेट था अपनी लाइफ, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट था अपनी लाइफ में। तो फिलहाल मेरे पास आता है फिर शिवांग का फोन, लूसी, हैशटैग लूसी, ठीक है, उसका फोन आता है और वो कहता है भाई क्या हुआ। मैं कहा तुझे कैसे पता चला कि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ड्रामे कर रहा कि कुछ नहीं हुआ ये वो। कहता आ जा आ जा फटाफट आ जा, तेरे को थोड़ा हैप्पी किया जाए। मैं कहा ऐसा क्या है तेरे पास जो तू मेरे को हैप्पी करेगा? मैं कहा भाई, कहता भाई आ जा, बस सोच बस आ जा फटाफट। तो अपन अभी जा रहे हैं मूवी देखने, कौन सी मूवी मुझे नहीं आइडिया, पर उसने कहा है कि फट जाएगी तेरी, तो भैया मैं देखते हैं क्या है एक्चुअली में क्या है, मेरे को पता भी नहीं अभी लाइट आ रही है मुंह पे कि नहीं आ रही है, एक्साइटमेंट इतनी है ना, मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेते हैं बस। तो अभी उसी के बाद जा रहा हूँ मैं, तो फटाफट चलते और वहां जाके मिलता हूँ। मुझे नहीं पता था कि स्क्रीन अभी तक ऑन है। तो आ गए अपने पहले फ्यूल पंप पे, अभी हम अभी तो हमें जाना है सेक्टर 21। वो अभी बात कर रहा है किसी से, उसके ऑफिस से फोन आया था, तो वही गधा मजदूरी आ जाता कभी भी फोन। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हमारी टिकट थी 7:20 की, पर वो हमने मिस कर दिया, तो हम 8 बजे वाला शो लेंगे और वो अलग लोकेशन पे है। पहले हमें जाना था विकासपुरी और अभी हम जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 21 पैसिफिक। गधा मजदूरी करते हुए वो आ रहा क्या हो गया, निकाल दिया क्या? फ्यूल भी डन हो गया। अभी हम है सेक्टर नहीं द्वारका सेक्टर 11 ग्यारह है, 10 है, 10 है सेक्टर 10 है। अभी हम फ्यूल भरवा रहे थे, अभी हम निकलते थे। समझ में गरीब भैया कितने पैसे पार्किंग के? 50 रुपये है, क्या बोलते 6 घंटे का। ठीक है फिर तो 50 रुपये, ठीक है खोल देता हूँ। तो जब टिक्की चेक हो रही है और अभी हमें द्वारका पैसिफिक मॉल, वो टिक्की चेक हुई, पर टिक्की में बम नहीं है भाई, बम है। चल 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 चल। अच्छा पर्ची नहीं निकलती तो किस बात के पैसे? फोटो खिंच जाती है ना, जब तो बाहर जाएगा तब निकलने नहीं देंगे ना, शायद ऐसा ही कुछ होगा बाकी नहीं पता भाई। पर्ची नहीं निकली, वीडियो बना ली ना तूने? मैंने तो वीडियो बना, बस ठीक है। अपनी गाड़ी खड़ी हो गई पर पता नहीं क्या हुआ, स्लिप नहीं निकली, अब जाते टाइम ही पता चलेगा क्या सीन है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं। पर भाई ये गाड़ी भाई बहुत प्यारी लगती है मेरे को ये गाड़ी यार। हाँ बहुत प्यारी। तो अभी हम एक स्टोर में घुस गए एक्चुअली भाई, सॉरी भाई ये रहा इधर, हेलो। तो अभी हमें मॉल के अंदर जाना है, अभी हम स्टोर में है, स्टोर से एंट्री ली हमने डायरेक्ट ना, अभी हमें मॉल में जाना है। और ये कोई हॉरर मूवी है, क्या नाम है इसका? एग्जॉर्सिस्ट। गाने लाया था थिएटर में, अब पूरे ओडी में सिर्फ हम 5 जने हैं, 2 वहाँ बैठे कोने पे, 1 इधर कोने पे बैठा और 2 हम यहाँ बैठे हैं। भाई बहुत गलत सीन है भाई वाला, तो बहुत गलत, सिर्फ हम 5 लोग हैं इस पूरे ओडी में। ओ ओ पहला गेम लग गया मुझे। हेलो जी, तो हम लूसी को छोड़ के आ गए। वो आ रहा है पैदल पैदल, वो आ रहा, वो आ रहा। बंदे बंदे को बोला, मैं लिफ्ट पे चढ़ता है, चढ़ा ही नहीं, कहता नहीं एक्सीलेटर से जाएंगे। मैं कहा जा भाई एक्सीलेटर से जा, घूम के आ रहा है दुनिया पूरी देखो। और मूवी का रिव्यू देगा लड़का अभी ना, बस इतना बता रहे लूसी मूवी कैसी लगी। बढ़िया चाटा मार मेरे चाटा कितना डर लगा
खतरनाक यार एकदम, मतलब टांगे कांप गई यार। अरे यार गजब ही था, लिया था ब्रो। तो अभी हम है वेगस और अभी हम खाने जा रहे हैं मैकडी में। कुछ भूख लग रही थी भैया, क्योंकि टाइम पता क्या हो रहा है 10:30। तो मूवी तो ठीक ठाक ही थी भाई, तुम्हें पता चली गया होगा, पर वेगस यार सुंदर, अति सुंदर। तो ब्लॉगर होने का फायदा मेरे पास ये थी, मेरे को यहाँ भेजा, वो वहां से लेके आ रहा, वो देखो वो ले रहा, वो लेके आ रहा, वो देखो उसे बेचारे को लेके लाना पड़ रहा है वहां से उठा के, वो आ रहा, मेरे को यहीं पे मिल गया था, इस बेचारे को मिला ही नहीं, खुद उठा के ला रहा है। फाइनली घर पे आ चुके हैं और अपना डिनर वगैरह तो कर रहे, नहीं मैंने बाहर से खा के आ गया था, तुम लोगों ने देख लिया। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस व्लॉग को, इस व्लॉग के लिए इतना रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपना, बाय बाय। और अभी सीन ऐसा है, आज का ही व्लॉग ये था दूसरा, मैं कोशिश करूंगा कि अभी वो है ना डिटॉक्स, एक नया बिल्कुल यूं चेंज ला रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा मूड ऐसा चल रहा है अभी, पर जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पीस आउट।